उदाहरण दो, जांचिए कि x बराबर 2, x बराबर 3 वर्ग समीकरण x की घात 2 ऋण 5x धन 6 बराबर 0 के मूल है अथवा नहीं। हल, दिए गए समीकरण x की घात 2 ऋण 5x धन 6 बराबर 0 में बायां पक्ष x की घात 2 ऋण 5x धन 6 व दायां पक्ष शून्य है। बाएं पक्ष में x बराबर 2 रखने पर हमारा जो वर्ग समीकरण का जो बायां पक्ष है वह है x की घात 2 ऋण 5x धन 6। x के स्थान पर 2 रखेंगे हम, 2 की घात 2 ऋण 5 2 धन 6 बराबर 2 की घात 2 2 गुणा 2 बराबर 4 ऋण 5 दूनी 10 धन 6। यहाँ पे 4 और 6 का योग 10 होगा, 10 में से ऋण 10 को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। स्पष्टता बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है यहाँ पे। इसी प्रकार x बराबर 3 रखने पर हम समीकरण ले लेंगे, फिर से समीकरण का बायां पक्ष x की घात 2 ऋण 5x धन 6। यहाँ पे हम x के स्थान पर 3 रखेंगे तो बराबर x के स्थान पर 3 की घात 2 ऋण 5 कोष्टक में x के स्थान पर 3 धन 6 या 3 की घात 2 3 गुणा 3 9 ऋण 5 तिया 15 धन 6। यहाँ पे धनात्मक संख्या को पहले उसका योग करेंगे 9 और 6 15, 15 में ऋण 15 को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। स्पष्टता बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है तो अतः x बराबर 2 में जब हमने x के स्थान पर 2 रखा वर्ग समीकरण के बाएं पक्ष में तो हमें 0 प्राप्त हुआ, और उसी तरह से x बराबर 3 का मान समीकरण में समीकरण x की घात 2 ऋण 5x धन 6 बराबर 0 में x बराबर 2 और 3 रखने पर हमें 0 प्राप्त हुआ, इसीलिए x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण x की घात 2 ऋण 5x धन 6 बराबर 0 के मूल है।
या इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें, जांचिए कि x के दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। पहला, x का वर्ग धन 6x धन 5 बराबर 0, जहां x बराबर ऋण 5 और x बराबर ऋण 1। दूसरा, 9x वर्ग ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0, जहां x बराबर 2/3 और x बराबर ऋण 1/3। तीसरा, x का वर्ग धन x धन 1 बराबर 0, जहां x बराबर 0 और x बराबर 1।